ये बात सच है कि हम लोग एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस से हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित है, और सबसे ज्यादा प्रभावित है हमारे डेली वेज वर्कर्स, जो देश के अलग अलग कोने से आते हैं रोजगार के लिए, ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। गिव इंडिया, एक्शन एड और हेलो लाया है मैं भी कोविड वॉरियर, एक इनिशिएटिव जिसमें हम सब साथ आए और कोविड 19 से लड़े। सो जॉइन द कॉज एंड सपोर्ट आवर डेली वेज वर्कर्स। जय हिंद। सीलमपुर शहर में गीता अपने पति आदित्य, सासू माँ और ससुर जी के साथ हंसी खुशी का जीवन बिता रही थी। गीता को उसका परिवार बहुत प्यार करता था, पर उसके जीवन में बस एक कमी थी, उसका लेखक बनने का सपना था। उसने कभी भी इस बात का जिक्र ना तो अपने माता पिता के सामने किया और ना ही अपने ससुराल में, पर उसने हर रात को डायरी लिखने की अपनी आदत को कभी नहीं छोड़ा। वो हर रात एक कविता या लेख लिखती थी। माँ, अगले हफ्ते गीता की 25वीं सालगिरह है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तूने सोचा क्या है? मेरी मानो तो तुम दोनों कहीं घूम आओ, शादी के 6 महीने हो गए, तुम दोनों को कहीं घूमने भी नहीं गए। तरकीब तो बहुत अच्छी है माँ पिताजी, पर हम लोग ने 3 दिन पहले ही अगले महीने घूमने जाने का प्लान बनाया है। ओहो, फिर क्या करें? चलो मैं ऑफिस जाता हूँ, अगर आप लोगों की समझ में कुछ आए तो मुझे बता दीजिएगा। आदित्य ऑफिस निकल जाता है और गीता के सास ससुर आपस में उसके जन्मदिन के उपहार के बारे में सोचने लगते हैं। सुनो तो, क्यों न हम बहू को सोने का हार दें? अरे अभी ही तो शादी हुई है इन दोनों की, बहू के पास ज्वेलरी की कमी थोड़ी ना होगी। हाँ ये भी है, एक तरकीब है मेरे पास, तुम बहू से बातों बातों में पता लगाओ कि उसे पसंद क्या है, इससे हमें कुछ तो उसके बारे में पता चलेगा, और जो भी हमें बहू के बारे में जानकारी मिलेगी वो हम आदित्य को बता देंगे, तो क्या पता उसे कुछ सूझ जाए। वाह जी वाह, ये तरकीब तो अच्छी है, मैं अभी जाती हूँ गीता के पास। गीता की सास रसोई में गीता से बातें करने के बहाने उसकी पसंद जानने आती है। अरे माँ जी, कुछ चाहिए आपको? मुझे आवाज़ दे देते। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा गीता, एक बात तो बता, तुझे साड़ी कैसी पसंद है, नेट वाली या गोटे वाली? माँ जी, मुझे साड़ियों का ज़्यादा शौक नहीं है। अच्छा, तो फिर किस चीज़ का शौक है बेटा? माँ जी, क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाई। अरे बहू, 6 महीने हो गए हैं तुझे इस घर में और हमारी ठीक से बातें भी नहीं हुई, तो मैंने सोचा आज अपनी बहू से थोड़ी गपशप कर ली जाए। गीता मुस्कुराने लगती है। अब बता भी दे। गीता और उसकी सास आपस में खूब सारी बातें करते हैं, उन्हें बातें करते करते शाम हो जाती है और आदित्य भी ऑफिस से आ जाता है। आदित्य अपने माँ और पिताजी से पूछता है कि क्या उन दोनों ने कुछ सोचा गीता के जन्मदिन के लिए। आप लोगों ने कुछ सोचा क्या? बेटा, तेरी पत्नी तो बड़ी ही साधारण है, ना तो उसे हार सिंगार का शौक है और ना ही कपड़ों का। क्यों, कुछ कहा क्या उसने आपसे? अरे आज मैं गई थी उससे बातें करने, सोचा कुछ उसकी पसंद पता चलेगी, पर उसे तो किसी चीज का शौक ही नहीं है। फिर भी कुछ तो पसंद होगा ना उसे। हाँ माँ, याद करो ना कुछ तो। माँ जी, मुझे ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, साहित्य की किताबें पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से मेरी उसी में रुचि थी। बाकी तो मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है। अरे हाँ, उसे लिखना पसंद है। लिखना? गीता कब से लिखने लगी? हाँ, उसे तो मैंने कभी लिखते हुए नहीं देखा। आदित्य गीता की इस प्रतिभा के बारे में सुनकर चकित रह गया, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर गीता को लिखने का शौक है तो वो जरूर आज भी लिखती होगी। आदित्य गीता की अलमारी में देखता है और उसे उसमें एक डायरी मिलती है। उस डायरी पर लिखा होता है, गीता की आंखों से। सॉरी गीता, तुमसे बिना पूछे तुम्हारी डायरी पढ़ रहा हूँ। आदित्य गीता के लेख और कविताएं पढ़कर चकित रह जाता है। गीता इतना अच्छा लिखती है,
और हमें उसकी प्रतिभा के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। आज गीता का जन्मदिन होता है, गीता सबसे आशीर्वाद ले रही होती है। अरे जीती रहे बेटा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद माँ जी। गीता आदित्य को ढूंढ रही होती है, वो सुबह से कहीं गायब होता है। माँ जी आपने इन्हें देखा है क्या? सुबह से कहीं नहीं दिख रहे हैं, बताकर भी नहीं गए। अरे कोई नहीं बेटा, आता ही होगा। तभी आदित्य घर पर आता है। कहाँ थे आप, फोन भी नहीं उठा रहे थे। सॉरी आने में लेट हो गया। अरे पर गए कहाँ थे इतनी सुबह सुबह? तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था, ये लो। हैप्पी बर्थडे गीता जी। थैंक यू आदित्य जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अभी सबके सामने गिफ्ट खोलना पड़ेगा। गीता सबके सामने गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक किताब होती है। उस किताब पर लिखा होता है गीता की आंखों से। गीता वो किताब देखकर चौंक जाती है। उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें उसके लेख और कविताएं छपी होती है। अरे ये तो मेरी डायरी है। डायरी नहीं, अब ये एक किताब बन चुकी है और पब्लिश होने के लिए गई है। कुछ ही दिनों में मार्केट में बिकने के लिए भी आ जाएगी। ये किताब की फर्स्ट कॉपी है जो तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है। मेरी लिखी हुई किताब मार्केट में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब आपने कैसे किया? माँ ने मुझे बताया कि तुम्हें लिखने का बहुत शौक है और मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने तुम्हारी अलमारी खोलकर देखी और वहाँ तुम्हारी डायरी पढ़ी। मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की जो एक पब्लिशर को जानता है, उसके पास तुम्हारे लेख भेजे और उसे वो बहुत अच्छे लगे, उसने किताब छापने का फैसला किया। थैंक यू सो मच आप सभी को, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट है। गीता की खुशी देखकर सब खुश हो जाते हैं।